हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने खेला बड़ा दांव, चुनाव से पहले जनता को लुभाने की कोशिश, क्या 10 वादों से चुनाव में होगा बेड़ा पार। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है, सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई है। हिमाचल में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी ने जहां जनता को लुभाने के लिए 5 लुभावने वादे किए, तो वहीं कांग्रेस ने आपसे एक कदम आगे बढ़ते हुए रोजगार, फ्री बिजली, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने, पुरानी पेंशन बहाली सहित 10 लुभावने वादे किए। कांग्रेस के 10 वादों में से सबसे पहले नंबर पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा कर दिखाया था। अब अपने इस वादे से कांग्रेस ने हिमाचल के करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को अपने पाले में करने की कोशिश की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लेकर बड़ा वादा किया है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपये देने का वादा किया है। हिमाचल की करीब 7 करोड़ जनता में से 3.5 करोड़ महिलाएं ही है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस ने आपकी तर्ज पर हिमाचल की जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया है। कांग्रेस ने हिमाचल की जनता से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अपने चौथे वादे में कांग्रेस ने युवाओं को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का यह वादा आने वाले चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। रोजगार के मुद्दे पर युवा मौजूदा जयराम सरकार से खुश नहीं है। ऐसे में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा करना काफी अहम है। अपने पांचवें वादे में कांग्रेस ने किसानों और पशुपालकों तक पहुंचने की कोशिश की है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर हिमाचल में भी पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलो में गोबर खरीदने का वादा किया है। छठे वादे में कांग्रेस ने बागवानों को लेकर बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस के इस वादे के मुताबिक बागवान अपने फलों की कीमत खुद तय करेगा, जिससे प्रदेश के लाखों बागवानों को फायदा मिलेगा। इससे पहले ये कीमत सरकार तय करती थी। अपने सातवें वादे में भी कांग्रेस ने युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने प्रदेश में स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे युवाओं को 680 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप देने का वादा किया है। इस वादे के जरिए कांग्रेस मोदी सरकार की स्टार्टअप इंडिया स्कीम को भी काउंटर करने की कोशिश कर रही है। अपने आठवें वादे में कांग्रेस ने प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया है। आपके मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोबाइल क्लिनिक खोलने का वादा किया है। मोबाइल क्लिनिक से प्रदेश के हर गांव में लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। अपने अगले वादे में कांग्रेस ने शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का वादा किया है। इसके जरिए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार के स्कूल मॉडल को काउंटर करने की कोशिश की है। अपने 10वें और आखिरी चुनावी वादे में कांग्रेस ने फिर पशुपालकों को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे। कांग्रेस के ये 10 चुनावी वादे जनता को अपनी ओर लुभा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि इन वादों के सियासी मायने काफी अहम हो सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।